सौरंगा जब पढ़ने के लिए जाते थे तो सौरंगा की तरफ ही सदाव्रत सारे दिन देखते रहते। मास्टर जी ने सोची जे हमें जो लगते ऐसे अगर रहे तो जो कुछ होना रहते उतने हो ही गए। जे तब ही पढ़ सकते हैं अगर इनके बीच में पर्दा लगाई जाए तो, वैसे ना है बिटरिया चाला कराए जवाब दो मास्टर जी। पर्दा की बात कर रहे तो ऐसो करो पर्दा हमारे घर है तो रखिए मैं मंगवाओ। और जब पर्दा मंगाई गई बीच में पर्दा लगाए सदा वृक्ष ने जब सौरंगा ना ही देख पाई सो सिकिल सिकिल के भाई पर्दा के पास में आए गए। वही है कोई छोटो सो सूरा सुबह में उंगरिया डाल रही और उनने फिर हाथ डाल के और पर्दा फाड़ी और खड़े हुए के रचने लगे। मास्टर जी बड़े परेशान सबकी छुट्टी करी और उन दोनों से एक बात कही है सो करो तुम दोनों जब बाग में जाओ घंटा दो घंटा चार घंटा और समय बिताओ के बाद लौट के आओ और घूमत रहे बाकी बाद में जब लौट के आए सोई द्वार पे के हिले। जवाब दो लल्ला एक बात बता सदा वृक्ष अरे जिन कारण कारण बगिया गए मेरे बेटा तेरो काम बनो जो इतनी बात सौरंगा ने सुनी तो बोली मास्टर जी का कहा था सुनो अरे सदा सदा तू तो बिना सीखन को और जो इतनी बात सुनी सोई भगे आ गए सदा मेरे चुके हूं कहा गए बिना सीखन के एक बात सुन इतनी बात तूने अब कही रोली छोरी इतनी कहती जो बगिया बीच अरे सीना बिनारी अब सीना रोली छोरी सब रोई देते बताई जो इतनी बात सुनी सोई मास्टर जी ने दोनों को हाथ पकड़ो और नहीं एक दूसरे के घरे दोनों के घरे ले जाए के छोड़ो ये सुबह।